दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त ज्ञानचंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन अन्नदाता ही जीवन पर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फसल बीमा योजना की गाड़ी आई हुई है, प्रचार वाहन ये फसल बीमा योजना का है। तो आज हम आपको फसल बीमा योजना के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुँच सके। किसान भाइयों, ये है फसल बीमा योजना की गाड़ी, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक भारत सरकार की बहुत ही किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से किसान भाई को सीधा लाभ मिलता है। इससे लाभ ये मिलता है कि अगर किसान भाई कोई फसल लगाए हैं, जैसे अभी धान की फसल रोपाई की चल रहा है, नर्सरी तैयार हो गई है, किसान धान की फसल की रोपाई के लिए खेत तैयारी कर रहे हैं, कुछ किसान भाई धान की फसल लगा भी लिए हैं, तो अगर उस फसल की फसल बीमा करा लेते हैं किसान भाई, तो उसका जो रिकवरी होता है, जैसे कोई आपदा आ जाती है, सरकार की एक शर्त है कि धान की फसल में कुछ शर्त है, अभी हमारे सहयोगी भी हैं साथ में, उसका आपको हम पूरा बताएंगे, सहयोगी से सवाल जवाब हमारा होगा। तो जैसे गेहूं की फसल है, ओलावृष्टि हो जाती है या फिर कोई बहुत ही भयानक बीमारी आ जाती है, टिड्डी प्रकोप अभी भी इसमें आया था, तो आपकी फसल में टिड्डी प्रकोप हो जाता है और सारी टिड्डियाँ आपकी फसल को चट जाती हैं, तो लाभ आपको क्या मिलेगा कि अगर आपने फसल बीमा कराया है तो आप कंप्लेन करेंगे, बीमा कंपनी के टीम वाले आएंगे आपके यहाँ सर्वे करेंगे, फिर आपके क्षेत्र के लेखपाल और सेक्रेटरी सर्वे करेंगे, वो रिपोर्ट जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर जाएगी भारत सरकार, वहाँ से फिर बीमा कंपनी को जाएगी, फिर आपका वो जो बीमा दे राशि है गवर्नमेंट की तरफ से, बीमा कंपनी की तरफ से, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो फ़ायदा बहुत है इसके, हमारे साथ सहयोगी भी हैं, अभी उनसे हम पूछेंगे। और ये आप देख रहे हैं ये अभी हम जनपद सुल्तानपुर के अखंड नगर विकास खंड के उनुरखा गांव में है, जयज्ञान नगर उनुरखा गांव में, जहां पे ये गाड़ी आई हुई है। अभी कल की ही डेट में जनपद सुल्तानपुर के श्री जिलाधिकारी श्री रविश गुप्ता सर और CDO साहब ने कि इस गाड़ी को हरी झंडी देकर रवाना किया है उन्होंने। और ये गाड़ी आज लगभग जिले से 75 किलोमीटर दूर अखंड नगर विकास खंड, जो कि जनपद जौनपुर अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ के बॉर्डर पे बसा हुआ ये गांव है, ये जयज्ञान नगर उनुरखा गांव में आई हुई है, यहाँ के किसानों को जागरूक करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का कि ऐसे गांव में जाना, प्रचार करना ऐसे गांव में जो गांव जिले के मुख्यालय से बहुत दूर हो और जहाँ तक जिस गांव तक योजनाएँ पहुँच ना पाती हों, उस गांव के एकदम अंतिम छोर तक योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, जिससे कि किसान जागरूक हो और योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके, ये बहुत ही सराहनीय है। तो ये अभी फसल बीमा योजना की ये गाड़ी है, ये गाड़ी जो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC योजना के संबंध में ये है। ये जो फसल बीमा होता है ये AIC कंपनी के माध्यम से होता है आपका, यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। अब हम अपने सहयोगी को बुलाएंगे जो कि इस फसल बीमा कंपनी के तहसील समन्वयक हैं, मिस्टर गौरव सिंह जी, आप आइए और हम आपसे स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। नाम मेरा है गौरव कुमार सिंह, तहसील समन्वयक गाजीपुर। आप हैं मिस्टर गौरव कुमार सिंह जी, ये तहसील समन्वयक गाजीपुर है जो कि हमारी तहसील पड़ती है। आप सर, ये फसल बीमा योजना की गाड़ी है, ये प्रचार वाहन अभी यहाँ पे आई हुई है, इसका उद्देश्य क्या है प्रचार करने का? इसका उद्देश्य यही है कि किसानों की आय को दोगुना करना और किसानों के फसल जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो है। और अपने यहाँ नोटिफाइड फसलों में गेहूं और धान दो ही नोटिफाइड फसल हैं, जिनके जैसे नोटिफाइड का मतलब ये होता है कि जिस गांव में 20 हेक्टेयर से ज़्यादा जो है जिस फसल को लोग लगाते हैं वहाँ पे वो फसल नोटिफाइड मानी जाती है, इसलिए अपने यहाँ ज़्यादातर गेहूं और धान की ही
खेती होती है, इसलिए दो ही फसल नोटिफाइड है। दो ही फसल है सर। तो जैसा कि आपने बताया कि अपने यहाँ दो ही फसल है, जैसे धान की फसल पे अभी धान का सीजन चल रहा है, नर्सरी तैयार है और किसान धान की रोपाई करने के लिए खेत की तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ किसान रोपाई कर चुके हैं, तो किसान अगर इस फसल बीमा का लाभ लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? पहले बात तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इसका, जो है रजिस्ट्रेशन कहाँ सी एस सी से होगा या जन सुविधा केंद्र से होगा। अगर आप लोनी फार्मर हैं तो जो है बैंक स्वयं करती है, और अगर इस योजना का लाभ नहीं लेना है तो बैंक से आपको एक हफ्ते पहले लेटर देना होगा कि हमको इस योजना का लाभ नहीं लेना है, और अगर दोबारा योजना का लाभ लेना है। यहाँ क्या है कि जो मानक दायरा है वो जो है हेक्टेयर का है जी, कहीं कहीं बीघे और एकड़ घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट के यहाँ इसमें जो 28 ये मानक वो है वो हेक्टेयर ही है। एक हेक्टेयर का 1524.60 प्रीमियम जमा होता है, जिसका जो है 76,000 समथिंग जो है क्लेम मिलता है, 100% नुकसान होगा एक हेक्टेयर जी। एक हेक्टेयर पे 76,000 क्लेम मिलता है जी। ये जो आपने बताया 1524, ये साल भर का है, एक फसल का है सिर्फ धान। अच्छा, धान के सीजन भर का जी, जैसे धान की फसल जितने दिन की रहेगी उतने दिन का है ये, और ये जो 76,000 रुपये है ये धान की फसल की रिकवरी का जी जी। तो धान की फसल पे शर्त क्या है सर? जैसे मान लीजिए आपदा आ गई और किसान ने बीमा कराया भी है, आपदा जैसे धान की फसल में जल भराव को छोड़ जी, गवर्नमेंट का ये कहना है कि धान की फसल के लिए जल भराव अगर होता है तो जल धान का पैदा जो है पानी से ही ज़्यादा, पानी से ही धान की पैदावार होता है, इसलिए जल भराव को छोड़कर बाकी ओलावृष्टि तूफान और कीड़े लगना इन सब कंडीशनों में जो है क्लेम दे है। और अगर फसल कट के रखी गई है उसके बाद जल भराव हो गया जो है तो उस कंडीशन में भी क्लेम दे। और धान की फसल में जल भराव में दे है, अगर किसान ने कराया है बीमा और जैसे जल भराव ना होके कोई बीमारी आ गई, घातक बीमारी, जैसे अभी खैरा रोग लगता है, कभी कभी कुछ एरिया में ऐसा होता है पूरा प्लाट ही सूख जाता है, जैसे उन्होंने रोपाई किया, पहली सिंचाई किया, इसके बाद रोग लग गया, पीलापन होके सूख गया, तो क्या इस स्थिति में इसकी भरपाई हो? बिल्कुल सर। तो क्या करना होगा किसान को, करना क्या होगा जैसे किसान तो जैसे सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम क्लेम कैसे लें जी, किसानों में जागरूकता की कमी है जी, तो आप कुछ ना करिए, बस खाली कृषि विभाग में एक लेटर दीजिए कि हमारा इस बैंक से प्रीमियम कटा है और हमारा इस फसल से इस तरीके का नुकसान है, कृपया इसकी भरपाई किया जाए जी। वो और कंपनी का टोल फ्री नंबर है जी, उस पर आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, वो कंप्लेन हमको फॉरवर्ड होगा, हम आके सर्वे करके रिपोर्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद क्लेम का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और आप बैंक को भी लेटर दे सकते हैं, कृषि विभाग को भी लेटर दे सकते हैं कि इस तरह का हमारा नुकसान हुआ है और हमारा प्रीमियम कटा है इस बैंक से, कृपया इसकी भरपाई किया जाए। वो लेटर हमको फॉरवर्ड होगा, हम सर्वे करके रिपोर्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है क्लेम का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो कितने दिन में ये भरपाई हो सकती है किसान की? सर फसल तैयार होने के बाद क्रॉप कटिंग होती है, पैदावार चेक होता है, उसके बाद सारा प्रोसेस पहले ही, अब बाकी जो क्रॉप कटिंग होकर फसल तैयार होगी उसके बाद फिर क्लेम का प्रोसेस आपका खाते में जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे अपने यहाँ केवल दो ही फसल है, जैसे यहाँ पे कुछ किसान लगाते हैं मक्का वगैरह भी, मक्का हो गया, अरहर वगैरह हो गया, तो हमने सर बताया आपको कि 20 हेक्टेयर से ज़्यादा जहाँ जिस ग्राम पंचायत में रहेगा वही जो है फसलें नोटिफाई रहेंगे, बाकी मूल रूप से अपने यहाँ जो है गेहूँ और धान ही है। अच्छा, कुछ किसान भाइयों को पता ही नहीं है फसल बीमा होता क्या है और फसल बीमा के लाभ क्या है और इसके नुकसान भी कुछ हो सकते हैं क्या? इसके नुकसान भी कुछ है क्या? कोई नुकसान नहीं, किसान को कोई नुकसान भी नहीं होता है। और कराना चाहें तो कराइए, नहीं तो सुरक्षा से तो वॉलंटियर हो गया है। जी। और इसकी क्या सावधानियां है, जैसे अगर हमें फसल बीमा हमने करा लिया है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है कि हम अपने प्लाट को ये चीज़ देख रेख रखें, कुछ ऐसा कुछ है क्या?
जैसे देख रेख क्या आपकी फसल है तो आपको देख रेख करना ही पड़ेगा, बाकी कोई नुकसान होने पे बैंक द्वारा या CST जन सुविधा केंद्र द्वारा आपका प्रीमियम कटा है, उसके लिए भरपाई के लिए हम लोग जो है सर्वे करके रिपोर्ट लगाएंगे। अच्छा, टोल फ्री नंबर कौन सा है आप एक बार बोल दीजिएगा तो वीडियो में आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये नंबर है किसान भाई आप देख पा रहे होंगे, ये कंपनी का नाम है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC, और ये इसका जो दिया है इसमें अधिक जानकारी के संबंध में आप इस नंबर पर संपर्क कर सके, जो कि निःशुल्क का टोल फ्री नंबर है ये 1800-88-9688, यानी 1800-889-6868 ये टोल फ्री नंबर है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का टोल फ्री नंबर है। आप इस नंबर पे कभी भी कॉल करके आप जो भी जानकारी, जैसे आपको पता भी नहीं है तो आप फ़ोन करके इस नंबर पे जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आपने फसल बीमा का लाभ लिया हुआ है तो आप क्लेम कैसे करें, इसका कैसे कैसे क्या करना है उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। क्लेम आप इस नंबर पे दर्ज कराएंगे जी, वो क्लेम हमको फॉरवर्ड होगा। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी हमें दी, हमारे किसान भाइयों को दी। आप आगे से क्या हमारे व्यूअर को कहना चाहेंगे? सारे किसान भाइयों से यही निवेदन करेंगे, आप इस योजना से जुड़िए और इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे सहयोगी जो कि इस कंपनी के गाजीपुर तहसील के तहसील समन्वयक हैं, आपने पूरी जानकारी दी और हमें लगता है सारी जानकारी हो चुकी है। तो आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, जो भी किसान भाई अभी फसल लगा रहे हैं, धान की फसल लगा रहे हैं, वो फसल बीमा का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। अगर आप नहीं करा पा रहे हैं, वीडियो में आपको हमारे नंबर मिल जाएंगे, आप उसमें उस नंबर पर फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे उस सुविधा का लाभ लेना है। और हम अंत में एक बार फिर जनपद के जिलाधिकारी, जिला मुख्य विकास अधिकारी और जिला कृषि अधिकारी का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कि मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर अंतिम छोर पे इस गाड़ी को भेजा और आप सब किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए। और अंत में हम आपसे यही चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह जानकारी सभी किसान भाइयों तक पहुँच सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।